रहे हैं इस टॉपिक के बारे में आपको मोस्ट प्रोबेबली पहले से पता है। क्या एडवर्टाइजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द मीडिया यूज्ड? पहला है प्रिंट एडवर्टाइजमेंट, दूसरा है ऑडियो विजुअल एडवर्टाइजमेंट, तीसरा है ऑडियो एडवर्टाइजमेंट। तो पहला जो हमारा फॉर्म है वो क्या है? सिर्फ प्रिंट एडवर्टाइजमेंट। प्रिंट के अंदर क्या, जो पहले से प्रिंटेड फॉर्म में होती है, उस प्रिंटेड फॉर्म में हम क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, न्यूज़पेपर में देना, मैगजीन्स में देना, बैनर में देना, कहीं इश्तेहार देना, जर्नल्स प्रिंट करा लेना। तो इस प्रकार के एडवर्टाइजमेंट्स को हम बोलते हैं प्रिंटेड फॉर्म। ये सारे प्रिंट होते हैं, अक्षर लिखे होते हैं, टेक्स्ट लिखा होता है, आप उसको स्टडी कर सकते हो, देख सकते हो। पिक्चर किसी बुक में लिखी हो सकती है, मैगजीन के ऊपर लिखी हो सकती है, जर्नल प्रिंटेड हो सकते हैं। तो इस प्रकार के एडवर्टाइजमेंट को हम बोलते हैं प्रिंटेड एडवर्टाइजमेंट। इसी तरह से इसमें है ऑडियो विजुअल एडवर्टाइजमेंट। इसमें ऑडियो और वीडियो दोनों का एक साथ यूज किया जाता है। इस प्रकार की एडवर्टाइजमेंट आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलती है? टीवी में, सिनेमा में, केबल नेटवर्क, जो घर में आपकी जो केबल होती है, डिश लगी होती है ना, तो वहां पर भी आपको इस प्रकार की एडवर्टाइजमेंट इन मीडिया के थ्रू भी देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट है हमारा ऑडियो। ऑडियो के अंदर सिर्फ ऑडियो का यूज करते हैं, सिर्फ साउंड का। फॉर एग्जाम्पल, आपको फोन कॉल आती है, फोन कॉल के ऊपर, फोन कॉल उठाते ही आपको कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में बताया जाता है, तो वो होती है बाय कॉल एडवर्टाइजमेंट। इसी तरह से है एफएम या रेडियो पर आपको किसी कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। इसी तरह से पब्लिक अनाउंसमेंट्स करके भी आपको कोई भी इंफॉर्मेशन दी जा सकती है। वो इंफॉर्मेशन चाहे हो सकती है कि आपके पब्लिक फेवर में हो, कोई सोशल इशू हो, या हो सकता है कि किसी कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में भी आपको इंफॉर्मेशन दी जा सकती है। ये था हमारा छोटा सा टॉपिक, एडवर्टाइजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द मीडिया यूज्ड। तीन फॉर्म हमने इसमें डिस्कस किया है, प्रिंट, ऑडियो विजुअल मतलब ऑडियो और वीडियो दोनों का यूज, और इसमें सिर्फ ऑडियो का प्रयोग किया जाता है।